राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। यहाँ ये बड़ी खबर। आजमगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज पर SDM मार्टिनगंज दिनेश मिश्रा द्वारा आशा बहुओं व कर्मचारी गण के साथ की बैठक। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर SDM दिनेश मिश्रा द्वारा बताया गया कि डॉक्टर आशा सांगली में आशा बहुएं लेखपालगढ़ ग्राम पंचायत अधिकारी सब टीम गठित की गई, जो ग्राम सभा में जाकर दवा किट दिया जा रहा है, सैंपल की जांच कराई जा रही है और गंभीरता से बैठक लेते हुए कहा कि कोई घर ना छूटे, हर घर दवा जरूरी है, इसमें विकास खंड के लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने गंभीरता से कहा घर घर पहुंचाया जाए, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी, किसी को कोई लक्षण दिखाई देता है जाँच उपरांत तुरंत दवा मुहैया कराया जाए, जुकाम बुखार है तो दवा किट पहुँचाने का काम कार्य घर घर तक चल रहा है। 142 गांव में 22 सेक्टर बनाया गया है जिसमें से 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। आंगनबाड़ी आशा लेखपाल आशा सुपरवाइजर ग्राम पंचायत अधिकारी सबको डोर टू डोर जोड़ दिया गया है। संक्रमण को देखते हुए और गंभीरता से कार्य कराया जा रहा है, इसी कड़ी में आशा संगनियों द्वारा दवा किट भी तैयार कराई जा रही है। उन्होंने तमाम दवा की किट भी तैयार किया। बैठक में मौजूद SDM दिनेश मिश्रा, नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता, खंड विकास अधिकारी आजम अली, आशा सुपरवाइजर आशा बहुएं सम्मिलित थी। आइए देखें मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट पीपी न्यूज 24/7 से। तो आप जिल कर दीजिए, बुखार है किसी को तो आप लिख दीजिए, हाँ एक व्यक्ति को बुखार है या दो को बुखार है, नहीं है तो शून्य। डायरिया है, कितने मरीज अभी सेक्रेटरियों को बुलाया गया है, क्योंकि मेडिकल किट जो भी है यहाँ से अस्पताल से मिल रही है वो जा रही है आशा या आंगनबाड़ी में से एक दिन। कोरोना को देखते हुए क्या इसमें है बता दीजिए। निगरानी समिति की प्रमुख सदस्य हैं आशा, आंगनबाड़ी, लेखपाल और हमारे सफाई कर्मी सेक्रेटरी, तो उसमें आशा और आशा संगनी की बैठक उनको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाई गई है कि निगरानी समिति में किस रूप में उनको जो शासन द्वारा निर्धारित फार्मा है गूगल शीट है वो कैसे भरा जाना है और क्या क्या सूचनाएँ उनको पूरे गांव में कुल परिवार की संख्या जितने उनके परिवार हैं उसके सापेक्ष उन्हें भरनी है, जितने भी कोमार्बिड व्यक्ति हैं, जितने भी लक्षणयुक्त व्यक्ति हैं उनका निर्धारित पेशानी पे उनका नाम और उनके परिवार के सदस्यों की संख्या, मोबाइल नंबर सब भरना और सभी लक्षणयुक्त और कोमार्बिड व्यक्तियों को सब प्रमुख है कि मेडिकल किट उनको समय से मिल जाए जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण के प्रसार को रोका जाए। कितने सेक्टर बनाए गए हैं, कितने सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं? हमारे यहाँ 22 सेक्टर और 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 142 ग्राम पंचायतों में यह विस्तृत अभियान पूरे तहसील मार्टिनगंज में निगरानी समिति के द्वारा डोर टू डोर सर्वे कर दिया जा रहा है और मेडिकल किट पहुँचाई जा रही है और सफाई कर्मियों द्वारा सैनिटाइजेशन का काम प्रत्येक गाँव और वार्ड में किया जा रहा है। पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।